हेलो गाइज हाई वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दर इज रॉय यू डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड गाइज़ आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अगर हमें एक कंटेंट क्रिएटर बनना है मतलब एक ब्लॉगर बोलो या फिर काइंड ऑफ आर्टिकल राइटर तो किस टाइप के कंटेंट को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ये कंटेंट हमें मिलेंगे कहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में क्या होता है कि मम्मी आपसे डेली पूछती है कि आज क्या खाना खाना है क्योंकि इतना खाना बनाते बनाते डेली उनको आइडिया ही नहीं रहता कि आज मैं क्या बनाऊँ मतलब ऑलमोस्ट उनको लगता है सारे खाने बन चुके हैं दुनिया में खाना ख़त्म हो चुका है उनको आइडियाज़ नहीं मिल पाती है तो आज का ये टॉपिक आपके लिए कॉन्टेंट के लिए मतलब कंटेंट के प्रति जो आइडिया खत्म हो जाते हैं या क्या लिखूं किस पे कंटेंट बनाया जाए इस दुविधा को आज ये सेशन आपका बिल्कुल क्लियर कर देने वाला है तो वाइज़ सेशन में पूरा बने रहिएगा सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है एज यूजल जो कि हमारे सारे वीडियोज होते हैं आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं अभी उस प्यार को बरकरार रखिए जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और गई सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए बेलाइकन के साथ सो so दैट आपको ऐसे वीडियोज लाइफ टाइम मिलते रहे हमारे इस चैनल पर दो वेबसाइट के रेफरेंस दूंगा और उन दोनों को यूज़ करते हुए, आपका का आइडियाज कौन पे डेली कॉन्टेंट लिखा जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं आप कॉन्टेंट को किस तरह से लिख सकते हैं वगैरह वगैरह वो आप इस चैनल पर जाके जरूर देख लेना लेकिन आज का टॉपिक मैं थोड़ा एलोबरेटिव वे में बना रहा हूं इससे पहले इस टॉपिक पर चुकी है बट डिटेल में आज रेफरेंस देखे कि कैसे किया तो है प्रैक्टिकल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे तो जल्दी से मैं आपको वो दो वेबसाइट पे ले चलता हूं तो वो दोनों वेबसाइट कौन से हैं गाइस नंबर वन कि आपको वर्ड स्ट्रीम एक वेबसाइट यूज करना है और दूसरा वेबसाइट यूज करना है potent.com राइट right. तो so ये दोनों वेबसाइट के आप नाम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वरना आपको यहाँ से देखी जाएगा जब आपको चाहिए होगा आप इस वीडियो को रिप्ले कर लेना और आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो सबसे पहला जो हम साइट यूज़ करेंगे वो है वर्ड स्ट्रीम डॉट कॉम यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर साइट पे जाइएगा और यहाँ पर आपको सिंपल कुछ चीज़ें करनी है सबसे पहले हमें बेसिक कीवर्ड्स चाहिए बेसिक कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड होते हैं गाइज वो कीवर्ड जिन कीवर्ड से हमें मेन जो नीश है वो मिलेगा लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहता हूँ या कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज माई नीश इज़ माई बेसिक कीवर्ड वो बेसिक की डिजिटल मार्केटिंग है अगर मैं एस पे लिखना चाहता हूँ तो एस इज़ द बेसिक की अगर मैं सोशल मीडिया पर लिखना चाहता हूँ तो सोशल मीडिया इज द बेसिक की बेसिक कीवर्ड होता है वन वर्ड या मैक्सिमम टू वर्ड इससे ज़्यादा नहीं होता है वो बिल्कुल बेसिक कीवर्ड माना जाता है तो यहां पर आपको बेसिक की से अपने मेन कीवर्ड को जनरेट करना है नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लूँगा सोशल या फिर मैं लिखूँगा फेसबुक फॉर एग्जाम्पल आज मुझे फेसबुक पे कोई आर्टिकल लिखने का मन कर रहा है तो मैं फेसबुक as my मेन कीवर्ड लूँगा फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में आप देख लो कि कौन सा सिलेक्ट करना है जो कि आपके की से कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर होना चाहिए अदरवाइज आपको यहाँ पर शायद गलत तरीके से सजेशन uh, मिल जाए ओके okay? तो मैं इंटरनेट एंड टेलीकॉम को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ कंट्री मुझे इंडिया से रिलेटेड चाहिए तो मैं इंडिया यहाँ पर लिख दूंगा एंड देन फॉर एग्जाम्पल इंडिया मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है फाइन माई की जैसे मैं फाइन माई की वर्ड्स तो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे विद सर्च वॉल्यूम तो यहां पर देख रहे हो तो आप को यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर कीवर्ड्स फ्री में मिल गए कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं हैं जिसपे इतने सारे सर्चेज़ गूगल पे होते हैं बाकी चीजों पे आपको नहीं जाना है सिंपल इस पे जाओ तो यहाँ पर मान लेते हैं मुझे पता लग गया कि फेसबुक सर्च फेसबुक स्टॉक वगैरह बेसिक फेसबुक फेसबुक लाइव तो मन कर रहा है मेरा आज फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर स्टूडियो पे लिखने का क्रिएटर स्टूडियो क्यों क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो पे भी आजकल बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं लोग साठ हज़ार अगर मंथली सर्चेज इस पर हैं तो मैं इसको करूंगा कॉपी अब मैं इस पर्टिकुलर बेसिक कीवर्ड के ऊपर एक टाइटल जनरेट करना चाहता हूं मतलब वो आइडिया कि फे क्रिएटर स्टूडियो पे किस टाइप का कंटेंट बन सकता है उसका एक आइडिया आपको चाहिए होगा क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो पे आप क्या लिखोगे कुछ यहाँ से समझ तो आ नहीं रहा लेकिन जहाँ की इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो डेफिनेटली मुझे इसके ऊपर एक ऐसा धांसू आर्टिकल लिखना है जो कि लोग पसंद भी करें राइट तो यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो की से कुछ ऐसा आइडिया मुझे मिल नहीं रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आएगा हमारा नेक्स्ट जो वेबसाइट वो काम में आएगा वो है potent. Potent में आपको जाना है और सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है जैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपको सिंपल क्लिक करना है जनरेट आइडियाज पे अब एक चीज का ध्यान रखिए इसकी कि डॉट कॉम ये कोई ह्यूमन तो है नहीं ह्यूमन मतलब कि इसमें कोई एज सच आपको कोई मैनुअल लिख के तो नहीं दे रहा यहां पर प्रीसेट मतलब ऑलरेडी सेट किए हुए कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टाइटल्स uh, होंगे जिसके अंदर आपका कीवर्ड जो है वो फिट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर ढेर सारे सजेशन मिल जाएंगे हो सकता है आज मैंने क्रिएटर स्टूडियो लिखा है तो कल अगर मैं फेसबुक लिखूंगा या लिखूंगा, या लिखूंगा लिखूंगा फिर मैं रिसर्च कुछ भी लिखूंगा उस के जगह पे, तो मुझे परी सेट पर मिलने वाले हैं घुमा फिरा के तो यानी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और फुल्ली इस पर्टिकुलर साइट पर डिपेंड नहीं हो जाना है आपको थोड़ा सा अपना मैनुअल वॉक यहां पर करना है बट हां यहां पर बहुत सारे सजेशन आपको दे दिए जाएंगे उनमें से कुछ सजेशन आपको पिक करने हैं अपने आइडियाज के लिए ऐसा नहीं कि अपने किसी भी एक कोई

देंगे और मैं अगर इस पे आर्टिकल लिख दूंगा तो सोचो उस आर्टिकल का रीच कितना बढ़ सकता है क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो ऑलरेडी 60000 लोग सर्च करते हैं मंथली इंडिया में क्योंकि मैंने इंडिया का डाटा लिया है यहाँ पर और ऊपर से एक ऐसा कैची लाइन होना मतलब मेरे लिए काम बन गया और मुझे टॉपिक भी मिल गया और मेरा ये हेडलाइन भी हो गया अब मेरे पास ढेर सारा कंटेंट बनने के लिए रेडी है तो अब नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं है या फिर नहीं इस पर नहीं लिखना है इस इसमें मन नहीं कर रहा है तो आप करेंगे सी इन टाइटल जैसे आप सी इन टाइटल करेंगे आपके पास एक नया टाइटल और दोबारा बन के आ जाएगा एंड दैट इज वाई अवर वर्ल्ड वुड एंड इफ बिल्कुल इ रेलिवेंट टॉपिक है जैसे मैंने पहले आपको डिस्कलेमर दे दिया था कि प्लीज प्लीज आपको अपना ध्यान रखना है अपना पर्टिकुलर आ, उस पर, आइडिया का ध्यान रखना है जो कि रेलिवेंट हो क्योंकि यहां पर प्रीसेड आइडियाज में ही आपको परम्यूटेशन कॉपी कॉम्बिनेशन लगा के मिलता है तो ये बिल्कुल नहीं करना है तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया तो मैंने इसको कर दिया नेग्लेक्ट सी एन अदर टाइटल हाउ क्रिएट अटूडियो कैन हेल्प यू सर्वाइव अ फिली यूजलेस जीरो कोई फायदा नहीं है हाउ आर गवर्नमेंट शट डाउन एफेक्ट्स क्रिएटर स्टूडियोज नो अगेन यूजलेस फर्स्ट वाला नो no डाउट बहुत यूजफुल था लेकिन मैं और भी अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊंगा यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपको कौन से आइडियाज रखने हैं टेन ग्रेट आर्टिकल्स अबाउट क्रिएटर स्टूडियोज अब यहां पर आपको एक अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको आइडिया मिल गया कि क्रिएटर स्टूडियोज पे मैं दस बेस्ट आर्टिकल या दस ग्रेट आर्टिकल का एक वो करके कलेक्शन करके हमारे आर्टिकल में उसका रेफरेंस दे दूं तो मेरे पास कंटेंट भी ज्यादा बन गया कि पहले मैंने देख लिया कि 10 कौन से आर्टिकल बेस्ट है पे, मार्केट में तो उनका मैंने रेफरेंस ले लिया और उनके कुछ कुछ कोटेशन लेके मैंने दस आर्टिकल्स के वहां पर रेफरेंस मेंशन कर दिया विद्यार लिंक की उनको मैंने आउटबोन लिंक दे दिया तो यहां से मेरा कंटेंट तो बन गया तो ये एक रेलिवेंट है देखो आउट ऑफ कितने सारे हमने कर लिए यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते मुझे लग रहा है मैंने पांच छे कर लिए उसमें दो रेलिवेंट मिले तो आपको यहां पर ऐसे रेलिवेंट आर्टिकल ढूंढने हैं आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं हो जाना है इस पर कि यही आपका फर्स्ट जो नंबर है फर्स्ट जो टाइटल आपको मिला है यहां पर फर्स्ट नंबर पे वही आपका मेन हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है आप एनदर करके यहां से देख सकते हैं हाउ टू से पॉपुलर इन द क्रिएटर स्टूडियो वर्ल्ड हाउ टू स्टे पॉपुलर नहीं बिल्कुल ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि क्रिएटर स्टूडियो जो है वो फेसबुक uh, का काइंड ऑफ यूट्यूब है फेसबुक के अंदर जो uh, लोग क्रिएटर बनते हैं उनके लिए है तो हाउ टू स्टे पॉपुलर कोई जरूरी नहीं है इसको आपको uh, uh, लिखने का सिक्स फैक्ट्स अबाउट क्रिएटर स्टूडियोज एवरी वन थिंग आर ट्रू ये एक अच्छा आपको

एफ बी लाइट पर भी उठाओगे आइडियाज यहां से जनरेट कर लो आप अगर फॉर एग्जाम्पल फेसबुक लॉग इन पर उठाओगे आइडिया यहां से उठा लो आपको अगर यूज करना है फॉर एग्जाम्पल मैसेंजर लाइट आप कीवर्ड यहां से उठाओ और आइडिया यहां से उठा लो और इस तरीके से आपका प्रॉपर डेली बेसिस पे आपका कंटेंट की जो लिमिटेशंस uh, है वो यहां से ख़त्म हो जाएगी दैट इज फॉर श्योर क्योंकि मैं और मेरी टीम भी इसी तरीके से काम करती है जो कि आज के बाद आपको मिल गया है प्लीज आप इस इन uh, वेबसाइट्स uh, का यूज करो और इस तरीके से डेली कंटेंट पे काम करना शुरू कर दो क्योंकि कंटेंट की डिमांड मार्केट में कभी भी कम नहीं होने वाली जितना ज्यादा कंटेंट लिखोगे उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गूगल आपको देगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आपको आपकी साइट में मिलेगा और जितना ट्रैफिक है ये चीज आपको पता ही है ट्रैफिक इज इक्वल्स टू मनी इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पे फोकस करना है तो गाइज ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर लो बेलाइकन के साथ इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करो गाइज मैं वहाँ पर लाइव जाता हूँ वहाँ पर आपके क्वेश्चन पिक करता हूँ और वहाँ से आपको ढेर सारे नॉलेज देने की भी कोशिश करता हूँ और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करो क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन आप होगा कि हाँ हम आपके लिए कुछ अच्छा कॉन्टेंट ला पा रहे हैं तो गाइज़ मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए है नाइस डे सी यू बाय